चुनाव कोई भी हो जब आप मतदान करने जाते हैं तो ईवीएम के सबसे अंतिम क्रमांक पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नोटा उस विकल्प को आपने देखा जरूर होगा शायद आपने उस विकल्प को चुना भी होगा लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि उस विकल्प का फायदा क्या है या फिर उस विकल्प को लाया क्यों गया है सबसे पहले तो नोटा नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अब यानी कि ऊपर जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से अगर कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का विकल्प चुन सकते हैं यह ऑप्शन क्यों दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग को लग रहा था कि शायद बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं और उनके लिए भी एक विकल्प मिलना चाहिए तो लोगों को आम जनता को एक विकल्प दिया गया कब हुई इसकी शुरुआत तो इलेक्शन कमीशन ने वोटरों को नोटा विकल्प देने का फैसला अक्टूबर 2013 में किया था यानी कि 2013 के अक्टूबर महीने में इलेक्शन कमीशन ने यह निर्णय ले लिया था कि नोटा का विकल्प जनता को दिया जाएगा उससे पहले जो है ओ नाम का एक फॉर्म होता था था जिसको भर करके कोई व्यक्ति वोट नहीं देना चाहता था, तो वो जमा कर सकता था इलेक्शन कमीशन के पास और पहली बार दिल्ली छत्तीसगढ़ मिजोरम राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2013 के असेंबली इलेक्शन में नोटा का विकल्प मिला था मतलब लोगों को 2013 के असेंबली इलेक्शन जो हुए थे दिल्ली छत्तीसगढ़ मिजोरम राजस्थान और मध्य प्रदेश में वहां के लोगों को पहली बार नोटा का विकल्प मिला उसके बाद सितंबर 2015 में चुनाव आयोग ने नोटा के लिए ईवीएम में स्पेशल सिंबल दिया उससे पहले तक ईवीएम में स्पेशल सिंबल नहीं था नोटा का ऑप्शन रहता था लेकिन कोई सिंबल नहीं था नोटा का अब जो है स्पेशल सिंबल नोटा के लिए है और अब आप समझ लीजिए कि, कि कितना कारगर है तो यह विकल्प देने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि साफ सुथरे छवि के जो लोग हैं वही चुनाव लड़े और पार्टियां ऐसे ही लोगों को चुनाव का टिकट दे जो इनकी छवि साफ हो जो आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो ताकि लोगों को चुनने में परेशानी ना हो लेकिन दूसरा बड़ा मकसद क्या था कि अधिक से अधिक वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित करना ठीक है तो जब नोटा का विकल्प आया तो वोटरों की संख्या थोड़ी सी बढ़ी मतलब वो लोग जो पहले किसी कारणवश या फिर प्रत्याशी के पसंद नहीं आने के कारण वोट डालने जाते ही नहीं थे वो लोग वोट डालने जाने लगे वोट का परसेंटेज बढ़ गया लेकिन साफ सुथरा जो प्रत्याशी चाहिए था इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग को वो मकसद पूरा नहीं हो पाया नोटा जो है वोटों से विक्ट्री मार्जिन पर असर पड़ता है नोटा वो विकल्प है जो लोगों के विक्ट्री मार्जिन को कम कर देता है जीत का जो अंतर होता है हार जीत का उसको कम कर देता है अब समझिए कि लोकसभा चुनाव में अब तक नोटा का क्या क्या इफेक्ट हुआ है क्या प्रभाव पड़ा है और कहा कितनी बार जो है सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया है 2014 के लोकसभा चुनाव का अगर हम बात करेंगे तो नोटा को 60 लाख वोटरों ने नोटा पसंद किया था और ये पूरे वोटिंग का 1.08 प्रतिशत था पैंसठ लाख से ज्यादा वोटर्स ने 2019 में नोटा का बटन दबाया था मतलब 2019 का जो आम चुनाव था उसमें पैंसठ लाख से ज्यादा वोटर ने नोटा का विकल्प चुना था और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो वन पॉइंट जीरो नोटा को वोटिंग मिला था टोटल वोटिंग परसेंटेज का अड़तालीस हजार मतदाताओं ने अराकू लोकसभा क्षेत्र में 2019 में इस विकल्प को चुना था यह कुल वोटों का चार दशमलव चार पांच प्रतिशत था अराकू लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पर 2019 में अड़तालीस हजार वोटरों ने नोटा का बटन दबाया था और ये दूसरी नंबर पे था अराकु जो है नोटा के मामले में दूसरे नंबर पे था बिहार जो है एक नंबर पे था बिहार वो राज्य था जिस राज्य में सबसे ज्यादा 2019 में नोटा दबाया गया था बिहार का गोपालगंज लोकसभा सीट जो है वहां पर सबसे ज्यादा इक्यावन हजार वोट नोटा को पड़े थे और ये बिहार में सबसे ज्यादा था पूरे देश में सबसे ज्यादा था गोपालगंज में जितनी वोटिंग हुई थी उसका पांच दशमलव जीरो चार प्रतिशत वोट जो है सिर्फ नोटा को मिला था चौवालिस सीटों पर 2014 में नोटा को मिले वोट दूसरे नंबर के प्रत्याशियों के ठीक बाद रहे मतलब ये कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां उसमें चौवालीस सीट ऐसे थे जब नोटा तीसरे स्थान पे था वोटिंग के मामले में सीट आंकड़ों के मामले में दो प्रतिशत बिहार में नोटा का वोट शेयर का सबसे ज्यादा परसेंटेज 2019 में था 2019 में बिहार में जितना वोटिंग हुआ था उस टोटल वोटिंग का दो प्रतिशत जो है नोटा को मिला था सिर्फ और ये बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे ज्यादा था कोई राज्य जिसको नोटा का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मिला था एक दशमलव आंध्र प्रदेश और एक दशमलव चार चार प्रतिशत छत्तीसगढ़ में था परसेंटेज नोटा वोट शेयर का मतलब ये कि बिहार एक नंबर पे था दूसरे नंबर पे वन पॉइंट परसेंट के साथ आंध्र प्रदेश था और तीसरे नंबर पे था 1.44 प्रतिशत के साथ छत्तीसगढ़ ये नोटा जिन राज्यों में सबसे अधिक पड़े थे ये उनकी सूची थी उसके बाद पंद्रह पार्टी ऐसे थे जिनको नोटा से भी कम वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में पंद्रह पार्टी ऐसे थे जिनसे ज्यादा वोट नोटा को मिले थे अब समझ लीजिए कि इसको लेकर के चर्चा चल रही है 2018 में से ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिर उन सीटों का क्या होगा जिस सीटों पर नोटा विजयी हो जाएगा या फिर नोटा को सबसे अधिक वोट मिल जाएंगे इसको लेकर के कई तरह के पी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन अभी तक कोई ठोस कानून नहीं बना है जिसके कारण से होता यह है कि अगर कहीं कोई लोकसभा सीट या फिर कोई भी सीट ऐसा होता है जहां पर नोटा सबसे ज्यादा दबाया जाता है तो दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाता है जबकि बात चल रही है राइट टू रिजेक्ट का सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इस चीज के लिए पीआईएल दायर किया गया है याचिका दायर किया गया है और राइट टू रिजेक्ट का बात चल रहा है इलेक्शन कमीशन से चर्चा चल रही है कि राइट टू रिजेक्ट वोटरों को मिलना चाहिए जिससे उनके पास ये अधिकार होगा कि अगर नोटा सबसे ज्यादा दब जाता है कहीं पे किसी सीट पर तो वहां के चुनाव को रद्द कर दिया जाए अगर राइट टू रिजेक्ट मिलेगा तो उस राइट टू रिजेक्ट का फायदा क्या होगा तो जहां नोटा को कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिल जाएंगे वहां चुनाव कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या होगा दोबारा उस क्षेत्र में चुनाव होने पर कैंसिल हुए चुनाव के कैंडिडेट को लड़ाई लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी ठीक है लेकिन अभी जो है ऐसा नियम नहीं है अभी है कि नोटा कुछ मतलब नोटा अगर कहीं पे सबसे ज्यादा मिलता है तो दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी होते हैं उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है बाकी आप समझ लीजिए कि बिहार को ऐसे हम लोग पिछड़ा मान सकते हैं बोल सकते हैं ये कह सकते हैं कि शिक्षा के मामले में पीछे है लेकिन अगर हम बात करें नोटा की तो नोटा जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में बिहार में सबसे ज्यादा दबाया गया था और बिहार शीर्ष स्थान पर था बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं नोटा को लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि राइट टू रिजेक्ट जो है वोटरों को मिलना चाहिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन बहुत बहुत धन्यवाद